नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दीवाना सर, आप सभी को विजय दीवाना मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात चैप्टर सगीर अहमद के बुक से स्टार्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों 9 तक बना लिए थे, आज 10 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वे ही प्यार जीने की वजह बन जाता है, है ना दोस्तों, सही कहा ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ए अनुपात बी कितना दिया है दोस्तों, 2:5 दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया है दोस्तों, बी अनुपात सी देखिएगा 3:4 दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, क्वेश्चन ही पूछ रहा है दोस्तों। देखिएगा बी या इसमें भी है और बी इसमें है, इस दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो दोस्तों वो बी है, तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो दोनों जगह बी बी है, तो बी बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ बी यहाँ बी ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का LCM 15 होगा। या आप ऐसे सोचें कि दोनों बराबर करना है तो यहाँ पे जो बी का मान है उससे इस वाला बी के मान में जो रेशियो वाला पॉइंट है इसमें गुना कर देंगे, 3 से कर दिए और ये 5 से इसमें कर दिए। ध्यान देंगे एक बार आप, जो बी का मान यहाँ 5 दिया, बी के मान यहाँ 3 दिया, इस 3 से अगर इसके इस बी में गुना कर देंगे, इस बी के मान से इस वाला बी के मान 3 में गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। देखिए 15 भी 15 भी, रेशियो का नियम होता है दोस्तों, गुना होगा तो प्रत्येक टर्म में, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से और इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब देखिए ए के मान हो गया 3×6, बी के मान 5 या 15, बी के मान 15, अब कहीं से लीजिए बी के मान बराबर है दोस्तों, सी के मान 5×20, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दोस्तों कि ए के मान यहाँ 3×6 आया है और बी के मान कितना आया है दोस्तों, 15 आया है, और दोस्तों सी के मान 5×20 आया है, हो गया आंसर मेरा में दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 6:15:20 जो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 है। या दोस्तों इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ए सी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, केवल ए अनुपात सी जो हम लोग पिछले क्लास में इस टाइप के बनाए थे दोस्तों कि शुरू वाला और अंतिम वाला निकालना हो, शुरू वाला और अंतिम वाला निकालना है। जो पिछले क्लास नहीं किए हैं दोस्तों वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, जब ए सी निकालना है ए अनुपात सी तो यहाँ 2:5 था तो 2/5 गुना, यहाँ क्या था 3:4 तो 3/4 दोस्तों गुना कीजिएगा तो 6/20 आया, यानी दोस्तों ए और सी का अनुपात आया 6/20। हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात और दोस्तों सी 6/20 के मतलब ए का मान कितना है दोस्तों, 6 और बी सी का मान 20, तो ये 6 हो गया और बी का तो नहीं निकलेगा इस ट्रिक से, ये 20 हो गया, कौन ऑप्शन 6 20 है लास्ट में शुरू में, यही है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 मेरा, दोनों मेथड हो गया, है ना आसान दोस्तों, मस्त है ना। ध्यान दिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखिए, मस्त शानदार और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ दोस्तों। क्या कहा कि ए अनुपात बी इसमें भी दिया है दोस्तों 3:5, ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है, यहाँ तो दे दिया ए अनुपात 3:5, यहाँ दिया बी अनुपात सी दे दिया, यहाँ दोस्तों बी अनुपात सी दे दिया 2:3, बहुत सारा मेथड है दोस्तों, लेकिन जो जल्दी बनेगा उससे ध्यान दीजिए। या इसमें बी है, इसमें भी है, इस बी के मान से इस वाला बी में गुना और इस वाला बी के मान से इस वाला बी में गुना कीजिए तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस 2 से दोस्तों इसमें गुना करते हैं, इस 5 से दोस्तों इसमें गुना करते हैं, तो देखिए रेशियो का नियम होता है गुना हुआ था प्रत्येक टर्म में, 2 से इधर तो 2 से इधर, 5 से इधर तो 5 से। अच्छा आप लोग सोचते काला इधर से इधर गुना करते दोस्तों, क्योंकि बी यहाँ है और बी यहाँ, तो बी कहीं रहेगा तो उसका मान बराबर होगा, तो दोनों बी के मान के हेरा फेरी से गुना कर देंगे, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर गुना कर देंगे दोस्तों। देखिए बी के मान यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, तो बी के मान बराबर करने के लिए इधर से उधर गुना करते हैं ना। क्या दोस्तों पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात और दोस्तों सी पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान देंगे ए के मान 3×6 अनुपात, बी के मान 5×10, ये भी 10, बी के मान यहाँ भी 10, कहीं से ले लीजिए 10 से होगा,
और सी का मान 5 3 15। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया 6 10 15, 6 अनुपात 10 अनुपात 15, है ना, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो गया। इसमें भी दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए सी। देखिए दोस्तों इसको डायरेक्ट निकालते हैं हम ए सी। देखिएगा ए अनुपात सी निकाल के भाई ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे 3 अनुपात 5 था तो 3/5, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 अनुपात 3 था यानी 2/3, और गुना कर देंगे तो 6/15। तो दोस्तों ए अनुपात सी हो गया 6/15। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमें पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे पूछा दोस्तों। तो देखिए 6 ए दिया है दोस्तों, बी के बारे में पता नहीं, लेकिन सी कितना निकला 15। कौन ऑप्शन ऐसा है जो ए और सी 15 है, 6 और 15 है दोस्तों। देखिए तो कोई ऑप्शन कौन है दोस्तों, 6 और 15, 6 और 15 इसमें ही, इसमें 6 नहीं है, यानी 6 15 से 6 से कोई भी स्टार्ट नहीं है 6 15। तो डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। ए सी निकाल लिए तो पता चल गया ये ऑप्शन हो गया, तो यानी बी की जगह कितना होगा 10 होगा, है ना, आसान तरीका, मस्त है ना। तो दोस्तों डायरेक्ट ए सी निकालना है तो बट्टा में लिखे गुना कर देंगे, पिछले क्लास में वीडियो बताया है, नहीं अगर पिछले क्लास का वीडियो देखें तो देख लीजिएगा, नहीं तो समझिए दोस्तों 3/5 आई 2 अनुपात 3 2/3 लिख दीजिएगा, यहाँ 3 अनुपात 5 था 3/5 कर दिए, 2 अनुपात 3 था 2/3 गुना 6/15, 6 अनुपात 15 हो गया, ए सी निकल गया। इसमें सिर्फ शुरू वाला निकलता है दोस्तों बट्टा में रख के गुना करने से, और लास्ट वाला निकलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 नंबर, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर 1/3 बी, और एगो क्या कहा दोस्तों, और बी बराबर क्या है दोस्तों 1/2, और सी। तो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो पूछा है दोस्तों। दोस्तों तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इसमें तिरछा गुना कीजिएगा तो 3a बराबर हो जाएगा b, इसमें तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2b इजकल टू, यहाँ b बचा है c बचा है दोस्तों, c में एक से गुना होगा तो c। अब देखिए यहाँ निकालना दोस्तों a अनुपात b, तो एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ भी से गुना नहीं तो 1 से गुना है, बी में कितना से गुना है 1 से गुना है दोस्तों, बी में 1 से गुना है। जब ए अनुपात बी निकालना है तो रेशियो इन्वर्स हो जाता है दोस्तों, ये जो बी के पास है वो आ जाएगा ए के पास, जो ए के पास है वो चल जाता है बी के पास, ए बी में कितना से गुना है 1 से, तो ये आ जाएगा, और ए में कितना से गुना है 3 से, तो जाएगा यहाँ, उल्टा हो जाता है। नहीं तो एगो तरीका होता है तोपा तोपी में, था दोस्तों ए निकालना है तो एक तोपे, इसमें किससे गुना दिख रहा है 1 से, तो 1 लिख दिए, कुछ से गुना नहीं रहता तो 1 से रहता है, ठीक है दोस्तों। बी निकालना है दोस्तों तो बी को तोपे तो क्या दिख रहा है 3, तो इस 3 को लिख दिया दोस्तों किसके नीचे, बी के नीचे, ठीक है। नहीं तो याद रखिएगा जब 2 का होगा तो इसका जो जिससे गुना होगा वो आ जाएगा ए के पास, और जो ए में गुना रहेगा बी के पास। यहाँ देखिए दोस्तों बी अनुपात सी, ए में कितने बी सी में कुछ उसने गुना तो 1 से गुना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और देखिए दोस्तों बी में गुना है 2 से तो भाग जाएगा सी, तो उल्टा चल जाएगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ बी दोनों बराबर, जो यहाँ b का मान 1 है तो इस वाला में गुना, और यहाँ दोस्तों b का मान 3 है तो इस वाला में गुना, रेशियो का नियम होता है, गुना हुआ था प्रत्येक टर्म में, इधर 3 से तो इधर भी 3 से, इधर 1 से तो इधर भी 1 से। अब दोस्तों a अनुपात b अनुपात c पूछा, यहाँ देखिए दोस्तों a का मान 1 आ गया, और दोस्तों b के मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कहीं से ले लीजिए, और दोस्तों c का मान 6 आएगा, कौन ऑप्शन है 1 3 6 1 3 6, आसान है दोस्तों, मस्त है, शानदार है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। क्या करें दोस्तों, ए का क्या बोला 30% है ना दोस्तों, बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है दोस्तों, तो ए का माने दोस्तों गुना 3% हटाएंगे तो बट्टा में 100 है ना दोस्तों, इजकल टू बी में दोस्तों गुना करेंगे 0.25, और दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, इजकल टू सी का गुना करेंगे 1/5 है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए 0 से 0,
यहां दोस्तों 25 से कटेगा तो 25 चौका 100, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 1 से गुना हो जाएगा तो 3a/10 इक्वल टू यहां हो जाएगा बी, बी में दोस्तों कितना से गुना हो जाएगा 1/4 से, और इक्वल टू सी में गुना है 1/5 से। अब दोस्तों अगर यहां कहा जाए तो देखते इसको इधर ले आते हैं तो ए में कितना से गुना है दोस्तों, ए में कितना 3/10 से हमें निकालना है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी ऐसा निकालना हो दोस्तों ए में गुना है 3/10 से, बी में गुना है 1/4 से, सी में गुना है 1/5 से, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जब निकालेंगे तो 3/10 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/5 है। जब अनुपात निकालेंगे तो 3/10 इसको प्लॉट के लिख दीजिएगा 10/3 जब गुना में हो और बराबर में हो तब। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ 1/4 है प्लॉट के लिख देंगे 4/1, यहाँ देखिए 1/5 है प्लॉट के लिख देंगे 5/1। दोस्तों 3 को हटाना है तो 3 1 1 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 3, है ना दोस्तों, तो 3 से तीनों जगह क्या करेंगे गुना कर देंगे तो दोस्तों ये 3 कट जाए क्योंकि रेशियो में साफ सुथरा नीचे अच्छा होता है। कहने का सेंस दोस्तों नीचे में एक के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए और कुछ है तो उसको काटिए हटाइए किसी तरह। 3 से 3 दोस्तों कट गया तो ऊपर क्या बचा दोस्तों 10 अनुपात दोस्तों 4 3 12 अनुपात दोस्तों 5 3 15। देखते दोस्तों कौन ऑप्शन है ऐसा 10 12 15 कुछ नहीं 13 10 12 15 यानी क्या है 4 नंबर, है ना दोस्तों आसान मस्त है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है शानदार है और मज़ेदार है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ए अनुपात बी दिया है दोस्तों 2:3, यहाँ देखिए दोस्तों बी अनुपात सी दिया है 5:6, यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या कि सी अनुपात डी दिया है 3:4, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ, ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चीज समझिए दोस्तों हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें निकालना है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी यानी 2:3, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 2:3। देखिए दोस्तों जब दो ठो था पीछे दो दो था सिर्फ ए अनुपात बी या बी अनुपात सी तो बी भी बराबर कर लेते थे, लेकिन जब 3 रहेगा या 2 से अधिक रहेगा 4 5 तो इस मेथड से बनाएंगे तो ए अनुपात बी, और डायरेक्ट बताएंगे कैसे बनेगा तो ए अनुपात बी 2:3 हो गया। अब देखिए बी अनुपात सी कितना है 5:6, बी के जगह 5 है लेकिन बी के जगह 3 रखा गया तो बी के नीचे रखा गया 5:6, है ना दोस्तों 6। अच्छा ए बी सी डी है दोस्तों, ए बी सी डी है ना, हमसे पूछ भी रहा है दोस्तों ए बी सी डी है ना, तो यहाँ दोस्तों डी एक और ले लेते हैं तो यहाँ देखिए 5 6 लिख दिए, इसके बाद 3:4 सी डी, तो सी डी के नीचे 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4। दोस्तों एक मेथड जानते हैं पुश मेथड, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अपना घरेलू भाषा में ठेला ठेली मेथड, 3 ठेलिएगा तो यहाँ आएगा दोस्तों, इसको ठेलिएगा तो यहाँ आएगा, और इस 6 ठेलिएगा तो यहाँ आएगा दोस्तों, इस 5 ठेलिएगा तो यहाँ आएगा, इस दोस्तों 3 ठेलिएगा तो यहाँ आएगा, और इस 3 ठेलिएगा तो यहाँ आएगा। आप ध्यान दीजिए दोस्तों 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, चारों में 3 3 है कॉमन तक काट देंगे, चारों में रहेगा तब कटेगा, ध्यान दे देंगे चारों में रहेगा तब कटेगा। अब देखिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, नहीं कटेगा, चलिए गुना करते हैं 5 2 10 अनुपात 15 अनुपात कितना 36 18 अनुपात 24। तो दोस्तों 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24, 10 15 18 24 जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है ना, आसान है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिए बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों कह रहे ए अनुपात बी क्या दिया 2:9 अनुपात 1:3, यहाँ देखिए बी अनुपात सी दोस्तों क्या दे 2:7 अनुपात 5:14, यहाँ देखिए देखो डी अनुपात सी यहाँ 7:10 अनुपात 3:5, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिए 9 और 3 कैल्शियम आएगा 9 तो 9 से इधर गुना 9 से इधर गुना, 7 और 14 कैल्शियम आएगा 14 14 से इधर 14 से इधर, 10 और 5 कैल्शियम आएगा 10 10 से इधर 10 से इधर, 9 से 9 कट गया 3 से कटेंगे 3 3 9 होगा 7 से 7 14 होगा 14 से 14।
10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, 2:3, यहाँ 2:4:5, यहाँ देखिए दोस्तों 7:3:6 हो गया। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों डीसी दिया है, इसको लिख सकते सी डी, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सी के जगह डी के जगह कितना है 7, ठीक है। आप निकालते ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, ये निकालना है दोस्तों। तो ए बी कितना है दोस्तों 2:3, बी ए बी सी कितना है 4:5, है ना, और सी डी कितना है, सी डी 6:7, 6:7, 6:7, है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो इसको 3 को यहाँ कीजिए तो यहाँ आएगा, ये 3 यहाँ आएगा, इसको दोस्तों खाली है ठेलेंगे तो यहाँ जाएगा, इस 4 को ठेलेंगे तो यहाँ आएगा 4, इसको ठेलिएगा तो 6 यहाँ आएगा, इसको ठेलिएगा तो 6 यहाँ आएगा। आप देखिए दोस्तों, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें है दोस्तों, 3 × 2 = 6 ऐसे कटेगा, 3 3 3, 6 में से 3 निकल गया था, 2 बचा, 3 × 2 = 6, गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 6 × 6 = 24, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, है ना दोस्तों। ए अनुपात है 16 24 30 35, जो ऑप्शन नंबर क्या है जी 2, है ना, आसान मस्त है ना, समझ गए ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त है, शानदार और मज़ेदार है। देखिए क्या कर रहा है कि ए बी से 40% अधिक, ए है जो बी से 40% अधिक, यानी बी 100 है तो ए 140 है, कह रहा है कि ए है ना बी से 40% अधिक, ए जो बी से 40% अधिक, 100 तो 140, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, बोला बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है तो 100 है तो हो जाएगा 80, अनुपात निकालते हैं दोस्तों 1:0 से 1:0, इस ये आएगा 7, ये आएगा 5, ठीक है। अब देखा 0 से 0, ये आएगा 4 और ये आएगा 5, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना है ए सी, ए अनुपात सी निकालना है, तो हम बताए थे जब ए अनुपात सी निकालना हो दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, 7:5 है तो 7/5 लिख देंगे, गुना 4:5 है तो 4/5 लिख देंगे, गुना कर देंगे तो 28/25, तो 28 अनुपात दोस्तों 28/25 हो जाता, यहीं पे लिख देते हैं 28/25, ये मेरा आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए है, है ना आसान दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है कि एम का 15% इजकल टू एन का 20%, तो पूछ रहा है दोस्तों एम अनुपात एन, यही ना पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, एम का माने गुना 15% इजकल टू एन का 20%, ये परसेंट से परसेंट कटिए, 5 से कटिए, 5 × 15 = 20, तो यहाँ कितना हो गया 3m = 4n दोस्तों, m अनुपात n, हम बताए थे ना कि दोस्तों ऐसा रहेगा तो हेरा फेरी कर लेंगे, जो m के पास है वो चल जाएगा n के पास, जो n के पास है चल जाएगा m के पास, यही अनुपात हो जाएगा, यानी दोनों इन्वर्स हो जाएगा, n के पास जो 4 ही आ जाएगा m के पास, m के पास जो 3 ही चलाएगा n के पास, यही मेरा रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4:3 दिया, जो ऑप्शन नंबर बी 2 है ना दोस्तों, मस्त है ना, शानदार है ना दोस्त। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, जय हिंद।